वियतनाम और इंडिया से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां वियतनाम के राजदूत टॉन सीन थान ने यहां के व्यापारियों को वियतनाम में निवेश करने के क्षेत्र में जानकारी दी। So in terms of tourism, we are growing very fast. So that you can see a lot of opportunities in doing business in Vietnam in terms of trade investment. For trade, Vietnam is now not a small market at all. We are now nearly 100 million people market, with quite a big number of middle income people. Trading is very, very big, as I said to you. So there's a lot of opportunity for trading and investment also. We have very, very liberal investment regulations and a lot of incentives. That's why we received quite a lot of foreign investment. इस मौके पर चेंबर प्रेसिडेंट राजेंद्र खंडेवाल ने आशा जताते हुए कहा है कि इस चर्चा के बाद यहां के व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और अब हमारा आज का जो कार्यक्रम खास करके वियतनाम के साथ में, हमारा पुराना भाईचारा रहा है, एक ऐसा रिवॉल्यूशन से पैदा हुआ देश जो आज किसी भी दुनिया के किसी भी देश के लिए एक रोल मॉडल का काम कर सकता है। मैं देख के आया वहाँ पे किस तरह से लोग, मेहनती लोग, देश को खड़ा करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ पूरे वियतनाम के लोगों का, खास करके प्रशासन का। इसलिए आज जब हमें मौका मिला कि हम उनके राजदूत को यहाँ बुला के उनसे सुने कुछ, तो आज उनको यहाँ बुलाया गया है। और मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, उनको कुछ नई चीज़ें जानने के लिए मौका पता चलेगा कि कैसे वियतनाम में क्या क्या संभावनाएँ हैं, क्या क्या बिजनेस के लिए तलाश लोग जा सकते हैं। इसीलिए उसकी शुरुआत के लिए हमने आज यह कार्यक्रम रखा। वहाँ मिलेगा, अपना माल एक्सपोर्ट कर पाएंगे वहाँ पर लोग। मौके पर उपस्थित नारायण जैन और गीतेश शर्मा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हम लोग की कंट्री की जो नीड है, जरूरत है, वो है कि हम लोग विश्व की जो अन्य देश है, कोई देश डेवलप्ड हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मझारी हो सकता है, छोटा हो सकता है। अभी हम लोगों की जरूरत है कि सब लोगों के साथ हाथ मिला के काम करें। कुछ ऐसे देश है वियतनाम जैसे जिनके साथ हम लोग का बिजनेस भी बढ़ सकता है। इसलिए ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है और हमारी कंट्री में जो हम उनको बुला रहे हैं, अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे आज का प्रोग्राम कड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वियतनाम के साथ हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अलग अलग हमारे जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, वो ये इनिशिएटिव लेवें, प्रेरित हो कि ये लोगों के बीच में जो फ़र्क है कि उस कंट्री में क्या है, यहाँ क्या है, कैसे हमारा बिजनेस डेवलप हो सकता है, कैसे हमारी कल्चर संस्कृति एक दूसरे के लिए अच्छी हो सकती है, तो ये वास्तव में डेवलप करने की जरूरत है। जो सही दिशा में काम जो है आज हमारे कड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये इस ढंग के कार्यक्रम न केवल कलकत्ता में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर होने चाहिए। एक बात आपको बता दें, हम लोगों के संपर्क वियतनाम से हमारे ही पुराने नहीं हैं, 2000 साल पुराने हैं भारत के वियतनाम के, खास तौर से बंगाल, उड़ीसा का संबंध और अमरावती उधर आंध्रा, ये 2000 साल से हम लोगों के संबंध हैं। ताज्जुब की बात यह है कि 2000 साल, 1900 साल पहले बिजनेस हमारा बहुत होता था वियतनाम से और इंडियन इकोनॉमी को बहुत मदद मिली थी, लेकिन दुर्भाग्य से जब से वियतनाम यूनाइट हुआ है, जब से वियतनाम उन्नति कर गया है, हमारे बिजनेस संबंध माने बहुत कम है। हमारा 10वां स्थान है 8 साल से, 9th पर नहीं आ पाए आज तक। उसकी वजह यह है कि न तो मार्केट सर्वे वियतनाम वाले ठीक से करते हैं इंडिया में, खास तौर से कलकत्ते में जो कि बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, और न हमारे यहाँ के बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट वो सॉफ्ट कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ बिजनेस करने के पहले प्रॉफिट होना चाहिए। तो सॉफ्ट कंट्री वियतनाम नहीं है, वहाँ तो आपका कंपटीशन है, जापान से है, साउथ कोरिया से है, ताइवान से है, तो कैसे सकेंगे ये। तो अभी तक कोई मार्केट सर्वे अगर प्रॉपर हो तो बहुत गुंजाइश है, बहुत बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि कलकत्ता तो अब ये ट्रेडिंग सेंटर हो गया है।
इंडस्ट्री तो भूल जाइए आप, ना आज है ना भविष्य में होने वाली है। इंडिया में ही नहीं हो रही तो यहाँ कलकत्ते में बंगाल में कहाँ से होगी। लेकिन ट्रेडिंग के लिए बहुत गुंजाइश है और बांग्लादेश के लोग आते हैं यहाँ, 300 करोड़ रुपया रोज़ खर्चा करते हैं कलकत्ते पर एवरी डे, वो भी खरीदेंगे वियतनाम की चीज़।